एवरीवन, वेलकम टू टैरो वर्ल्ड। टैरो कार्ड के रहस्य में मैंने फ्रेंड्स एक्वेरियस का निकाल रही हूँ। जून मंथ का प्रेडिक्शंस है, लव लाइफ एंड करियर लाइफ, मैरिड एंड मैरिड सबके लिए है, पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए भी देख सकते हैं। चलिए देखते हैं कार्ड्स के थ्रू कि पहले मेजर जून मंथ में क्या क्या होने वाला है, आपके जीवन में क्या बदलाव होने वाले हैं, क्या चाह रहे हो और क्या हो रहा है। लाइफ में बहुत अप एंड डाउन्स हो रहे हैं अभी, है ना, बहुत ज्यादा। जून मंथ में कैसा रहेगा, कुछ तो हो रहा है फैमिली में, कुछ हो रहा है आप लोगों का, बट जून मंथ में आप यानी अभी तक फिलहाल हैंड है, कहीं तो कुछ ना कुछ अटके पड़े हैं किसी सिचुएशन में, ऐसा मुझे लग रहा है। अपने तरीके से देखें, जो रेजोनेट हो रहा है वो आपके लिए है, जो नहीं हो रहा है वो किसी और के लिए भी है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है एक्वेरियस। ऐसा लग रहा है कहीं अटके पड़े हैं या कुछ तो टूट के बिखर चुका है जीवन में आपका, कुछ फैमिली इश्यूज चल रहे हैं किसी किसी का, और किसी किसी का ऐसा लग रहा है जैसे कहीं बाहर जाने का सोच रहे थे, वीज़ा का कुछ अटका हुआ था, ये लाइफ में कुछ बैलेंस ही नहीं हो रहा था, ऐसा कुछ हुआ। तो उनके लिए मैं कहूंगी कि इस मंथ में आप कुछ गुड न्यूज़ सुनने वाले हो, ठीक है। चलिए अभी और भी कार्ड्स देखते हैं मेजर, क्या लव लाइफ एंड करियर लाइफ बोथ का बता रही हूँ मैं, कोई गुड न्यूज़ आपके पास आ रहा है। बहुत हार्ट ब्रेक हुआ है आप लोगों का, दिल टूटा है, परेशान हुए हो, कोई भी सपना पूरा ही नहीं हुआ अभी तक ऐसा लग रहा है मुझे, और बहुत ज़्यादा डेविल एनर्जी आ रही है, निगेटिव वाइब्स आपके पास बहुत ज़्यादा आ रही हैं, और कुछ ना कुछ रीज़न तो है आपका। पास्ट में जीवन में बहुत उथल पुथल, अप एंड डाउन्स, यानी बहुत रो रहे हो ऐसा, अंदर से आत्मा आपका रो रहा है मुझे ऐसा लग रहा है ना। और कुछ प्रॉपर्टी को लेके कोई इश्यूज चल रहे हैं किसी किसी का तो, और बाता बाती लड़ाई झगड़ा कुछ चल रहा है बहुत ज़्यादा पार्टनर के साथ, हस्बैंड वाइफ का, है ना। बट उसके बावजूद भी आप लोग हैप्पी रहोगे जून मंथ में, और कहीं ना कहीं बाहर जाने का सोच रहे हो, और कोई किसी किसी का थर्ड पार्टी सिचुएशन इतना ज़्यादा है कि वो निकलने का बाहर ही नहीं ले रहा, निकलने के लिए सोच रहा है, आप लोग चाह रहे हो जल्दी से वो बाहर हो जाए, या पेरेंट्स का कुछ ऐसा है जो मैरिज नहीं होने दे रहे हैं, बहुत कोई कास्ट इश्यूज आ रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है मुझे ऐसा लग रहा है ना। और बाहर जाने का जो सपना देखा था, मे भी जून मंथ में आपका वर्ल्ड का कार्ड आया, मे भी जून मंथ में आपका वीज़ा का अगर कहीं कुछ सोच रहे थे या कहीं बाहर जाने का सोच रहे थे तो मे भी जा सकते हैं आप, है ना, इस मंथ में। जब मून का भी कार्ड आया, सन का भी कार्ड आया, तो अप एंड डाउन्स आपके लाइफ में हो तो रहा है बट पॉजिटिव हो जाएंगे। अभी तक तो परेशान ही हो रहे हो, बहुत टेंशन ले रहे हैं आप लोग, तबीयत खराब हो रही है मुझे ऐसा लग रहा है, टेंशन ले लेके तबीयत खराब हो रही है, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा आप लोगों का, जितना मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत के अकॉर्डिंग आपको फल नहीं मिल रहा, ये दिख रहे कार्ड्स। बट डोंट वरी, आपका कुछ ही दिन, ये वीडियो देखोगे उसके बाद देखना, कुछ ही दिनों में आपको कुछ गुड न्यूज़ मिलने वाला है ऐसा दिख रहा है मुझे, कोई गुड न्यूज़ आपके पास आ रहा है। बहुत थक लिए, बहुत रो लिए, बहुत परेशान हो गए, रिश्ते में कुछ दरारें आ रही हैं, है ना। और जून मंथ में कोई अगर व्हीकल चलाते हैं तो उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, गाड़ी चलाने वक्त थोड़ा सावधानी बरतनी है आपको, ये कार्ड्स इसलिए पहले देख आते हैं कि आप अब थोड़ा सतर्क रहें। कोई लोन वोन लेने का कुछ अटक रहा था या लोन का कुछ प्रॉब्लम था तो वो सब चीज़ क्लियर होने वाला है आपका, ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे। कुछ मूव ऑन हो रहे हो कहीं से मूव ऑन कर रहे हो आप लोग, कुछ तो है जो कुछ परेशानी थी ना उससे बाहर आ रहे हो आप लोग, ऐसा कुछ तो दिख रहा है मुझे। कुछ इनडिसीजन हो रहा है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो किसी चीज़ का, बट आपके पास जस्टिस आ रही है, कुछ भी हो सकता है, कोई कोर्ट केस चल रहा है आप लोगों का अगर, तो उस पर मैं कहूँगी आपके तरफ जस्टिस आ रही है, ठीक है। कुछ तो है आप लोगों का जून मंथ में, कोई केस वेस किसी का चल रहा था मुझे ऐसा लग रहा है, कुछ भी केस चल सकता है, प्रॉपर्टी का भी केस चल सकता है। और लास्ट 9 मंथ से कुछ ज़्यादा परेशान है आप लोग, है ना,
और मैं ये कहूँगी कि अगर फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम चल रही थी आप लोगों को एक्वेरियस, तो फाइनेंशियली अब स्ट्रांग होने वाले हैं जून मंथ में, ठीक है। रिश्तों को लेके थोड़ा सा परेशानी है अभी भी, रिश्तों में कुछ प्रॉब्लम तो चल रही है, जो अनमैरिड हैं उनके लिए मैं कहूँगी, और जो मैरिड हैं उनके लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही थी फिलहाल वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग अभी कुछ जगलिंग कर रहे हो, कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, कुछ हो सकता है अगर कोई स्टूडेंट देख रहे हैं तो एडमिशन लेने का कुछ हो रहा है, कहाँ एडमिशन लूँ, क्या करूँ, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे, है ना, या जॉब का कुछ ऐसा दिख रहा है जो इनडिसीजन हो रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। देखो किंग एंड क्वीन का स्वॉर्ड्स का आया है तो, और डेक में देखो टू ऑफ कप्स आया है, तो लव लाइफ आपकी बैलेंस में आ जाएगी, ठीक है, अगर परेशानी चल रही थी। और अभी आपका एक्वेरियस प्रेजेंट सिचुएशन क्या चल रहा है, चलिए देखते हैं अभी आप क्या दिमाग में चल रहा है इस मंथ में, जून मंथ में कैसा रहेगा आपका। बहुत इंजॉय करोगे, मैंने कहा ना कुछ तो है, आपको गुड न्यूज़ कुछ मिलने वाली है और आप इंजॉय करोगे जून मंथ में, बिल्कुल कुछ जो भी था आपका इल्यूजन खत्म होगा, आप खुशियां मनाने वाले हो इस मंथ में, इसलिए हैप्पी हो जाएं। वीडियो अगर देख रहे हैं तो बहुत जल्दी कुछ सपना आपका पूरा होने वाला है जो अभी तक नहीं हो रहा था, कुछ भी हो सकता है, जिस चीज़ से आपको खुशी मिल रही है वो चीज़ मिलने वाली है, कुछ तो हो रहा है आपके लाइफ में, थोड़ा बर्डन था वो बर्डन कम होने वाला है, कुछ बर्डन है आपके लाइफ में, जिम्मेदारियाँ हो सकती हैं, हो कुछ गिल्ट फील किया है आपने, है ना, आपका कुछ तो है, पॉजिटिव हो जाए लेकिन, और एक ऊंची उड़ान भरने वाले हो, बहुत सारे एक्सपीरियंस आपके जीवन ने आपको मिल दिया है। और मैं ये कहूँगी कि प्रेजेंट सिचुएशन जो भी है आपके लाइफ में देखो करेज का है, आपने जीवन जीना सीख लिया है, अब हार नहीं मानोगे आप अपने जीवन से, और मुझे ऐसा मोस्टली का लग रहा है कि जीवन में बहुत परेशानियाँ थीं और हैं भी, बट जून मंथ में आपको कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ तो मिल रहा है, ठीक है, इसलिए हैप्पी हो जाए। कोई सोलमेट आपको मिल रहा है, ओ, और गिल्ट का दो दो कार्ड आया है, कुछ तो गिल्ट है आप लोगों के लाइफ में, तो वो चीज़ अब यानी कि शॉर्ट आउट होगा इस बार, कुछ गिल्ट है आप लोगों के अंदर, है ना, बस अगर कोई कुछ कुछ है तो बस देखो ग्रोथ का, उसमें भी ग्रोथ था, ओ माय गॉड, जून में बहुत अच्छा आया आपका, ठीक है, जो भी टेंशन आप ले रहे हो ना, टेंशन से बर्डन है कुछ आपका, तो क्लियर हो जाएगा बिल्कुल, जो आप परेशान हो रहे थे कि हर जगह रिजेक्शन, हर जगह परेशान, कुछ नहीं मिल रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, ऐसे दिमाग में आपका चल रहा था, है ना, तो उनके लिए मैं कहूँगी कि बिल्कुल पॉजिटिव हो जाए, आप लोग का सोलमेट है और आप लोग का काम का कुछ अगर प्रेशर था तो काम अब आपका बहुत अच्छा जाने होने वाला है, ठीक है। एंजल ऑफ लव, आपके गॉड जो है ना बहुत प्यार करते हैं आपसे, बिल्कुल एक रास्ता खुल चुका है, बिल्कुल खुल चुका है, आप देखो अगर आप कार्ड देख रहे हो तो, और दिल से काम करें, दिल में जो चोट पहुंची है ना उसको रहने दें, गिल्ट फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है, गिल्ट फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है एक्वेरियस, आपको आगे बढ़े जीवन में, और आपका मुझे ऐसा लग रहा है रास्ता कुछ खुल रहा है और बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहे हैं आपके पास, अब जो भी होगा ना बहुत अच्छा ही होगा, जून मंथ का प्रेडिक्शंस है, मैं एक्वेरियस से ज़रूर कहूँगी अब आपके तरफ जस्टिस आ रही है, अगर कोई केस चल रहा था, कुछ भी चल रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ बिल्कुल, देखो अब ये इट्स अप टू यू, अगर आप पॉजिटिव हो जाते हैं ना इमीडिएट, देखना आपकी लाइफ में कैसे चेंजेस होते हैं, अपॉर्चुनिटी कुछ तो मिल रहा है आपको जून मंथ में, अपने अपने तरीके से देखें एक्वेरियस, ठीक है, कुछ तो गुड न्यूज़ मिलेगा और हैप्पी हो जाए, पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है आपको, रिकवरी है आपके जीवन में, बहुत हो गया पॉजिटिव, बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं, आपके गॉड आपसे कह रहे हैं कि पॉजिटिव हो जाओ और पॉजिटिव होकर काम को करें, गिल्ट फील करने की ज़रूरत नहीं है, दिल टूटा है, दिल में चोट पहुंची है, अंदर से तकलीफ हुई है, किसी अपने ने आपको बहुत चोट पहुंचाया है ऐसा मुझे लग रहा है, कोई भी हो सकता है वो जिसको आप अपना समझ रहे थे, और कुछ ना कुछ फाइनेंशियली भी लॉस हुआ है आपको, लेकिन इस मंथ में आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगा और आप मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सेलिब्रेट करने वाले, क्योंकि आपके गॉड ने बहुत प्यार करते हैं आपसे, ठीक है, कोई वीज़ा या किसी चीज़ का कुछ किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे या कुछ, तो वो चीज़ मिलने वाला है, थर्ड पार्टी सिचुएशन जहाँ तक जिसकी है तो चांसेस है कि इस मंथ में वो बाहर हो जाएगा, ठीक है। पसंद आता तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें, तक किसी और का भला हो फ्रेंड्स, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, थैंक यू।